हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल फिल्मी सेंट्रल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 एग्जाम को टॉप करने वाले श्रुति शर्मा के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए। इनका बर्थ नेम है श्रुति शर्मा, इनका निक नेम है श्रुति और ये पॉपुलर है श्रुति शर्मा IAS के नाम से। श्रुति शर्मा का जन्म 1996 में बिजनौर उत्तर प्रदेश इंडिया में हुआ था और इनकी एज 2022 में है 26 इयर्स। इनकी नेशनलिटी है इंडियन, इनका होम टाउन है बिजनौर उत्तर प्रदेश इंडिया। इनका प्रोफेशन है फ्यूचर IAS ऑफिसर। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई UP से की है और इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई सेंट स्टेफन्स कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, जहां पर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। उसके बाद श्रुति शर्मा अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली गई और वहाँ पर इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में अपना एडमिशन करवा लिया और JNU से ड्रॉप आउट होकर इन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट। इनका करेंट रेसिडेंस है दिल्ली इंडिया। श्रुति शर्मा फिजिकल स्टेटिस्टिक्स, इनकी हाइट है अप्रॉक्स 5 feet 5 inches और इनका वेट है अप्रॉक्स 55 kg। इनका आई कलर है ब्लैक और इनका हेयर कलर भी है ब्लैक। श्रुति शर्मा के पापा एक PAU ऑफिसर हैं और इनकी माँ एक स्कूल टीचर हैं। श्रुति शर्मा ने UPSC एग्ज़ाम में 685 कैंडिडेट्स में से AIR 1 पोजीशन को हासिल करके सबसे ज़्यादा अंक पाकर UPSC एग्ज़ाम में टॉप कर लिया है। शर्मा ने UPSC की पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से की है। श्रुति शर्मा का मैरिटल स्टेटस है अनमैरिड। इन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में कोई भी जानकारी रिवील नहीं की है। श्रुति शर्मा बहुत ही जल्द इंडिया की नई IAS ऑफिसर बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी इंडिया की नई IAS ऑफिसर श्रुति शर्मा की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी श्रुति शर्मा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और भी ऐसे ही पॉपुलर सेलिब्रिटीज के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।